सीसी वन होगा, बोलिए वाला होगा, ये सब तो देख रहा हूँ, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। कौन चीज अच्छा नहीं लग रहा है? मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, आपके भी सुनूंगी मैं। ये सब जो आपस में लड़ाई झगड़ा जो देख रहा हूँ, ये इसको देवबंदी को, ये बरेली हजरत देवबंदी को काफिर कहते हैं, देवबंदी बरेली को काफिर कहते हैं, इन सब से ऊपर उठ के हम चल नहीं सकते क्या? बताइए आप। यानी देवबंदी, देवबंदी हम लोग को, बरेलवी लोगों को वो लोग काफिर नहीं कहता है, समझे? हाँ, ये तो पहले की बात है, लेकिन अभी तो जो अजगर साहब जो मुनाजरा करते हैं उसमें तो वो काफी साबित कर देते हैं। काफी साबित का भाव भी नहीं कर पाता है, समझे? उन लोग धोखा में धोखा देता है अवाम अहले सुन्नत को, किताब के हवाले नहीं रहती उनके पास, जिसके पास उन लोगों को धोखा देते हैं। लेकिन देवबंदी अकाबिर जो हैं, कुफरिया अल्फाज बके हैं किताबों में, अल्लाह के, अल्लाह और उसके रसूल के बेहुरमती और गुस्ताखी करें तो हम कैसे उनको साथ देंगे? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके सुना, हमारे तो सुनिए, रमजान का महीना है, मुबारक महीना है, लेकिन देखिए वो जो लोग क्या 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 गया, क्या गुस्ताखी, क्या क्या नहीं किया, छोड़ दीजिए ना उनको, उसको अपना जगह छोड़ दीजिए। हम लोग ऐसे चले, हम लोग ऐसे चले, देखिए हमारे अंदर जो जरूरियत है दीन है, मतलब फर्ज वाजिब और सुन्नत मौकदा, इसको लेकर हम बहस करें ना। हम तो देखता हूँ बहुत जो हो रहा है सब फजाइल लेकर हो रहा है। देखिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो अहमद अली है। मेरा अहमद अली साहब, देखिए जिसमें जिस मर्ज का जो बीमार है ना, उसी के ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो अच्छा है उसमें से उसका ट्रीटमेंट नहीं करेगा डॉक्टर, लेकिन जिसमें इख्तलाफ है उसी में बहसों मुबाहसा होंगे। और जिसमें नमाज रोजा में इख्तलाफ नहीं है, नमाज रोजा में कोई भी इख्तलाफ नहीं है, उसको सब मानते हैं, नमाज फर्ज है, कितने फर्ज हैं सब जानते हैं, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई भी उसको टोकता नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की जात के मुतालिक अगर कोई कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, बल्कि बोल दिया, कुरान मजीद सच्चा किताब है, अगर कुरान मजीद को कहे कि वो फसाहत व बलागत वाली कलाम नहीं है, जैसा कि बुलगतुल हैरान सफा नंबर 16 में लिखा है, तो इस तरह अशरफ अली थानी के मैं आपको गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं उधर ये दलाइल की तरफ नहीं जा रहा हूँ। जी जी, मैं आपसे सिर्फ आपस में गुफ्तगू कर रहा, अगर अच्छा लगे गुफ्तगू तो भाई करूँगा, ना दुआ करिए, मैं गुफ्तगू वो उस तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कि मैंने बहुत, मैं तालिब इल्म के जमाना से नहीं। आप बोलिए, आप बोलिए कि आप अल्लाह को झूठ बोलने वाला मानते हैं? सुनिए, मैं इसीलिए तो मैं ये सब पढ़ा हुआ हूँ, मैंने किस कायदे से किस तरफ से बोला जाता है, मैं जाल हक जहाकल बाती ले किताब पढ़ा हूँ, फैसला हफ्त मसाइल ये भी पढ़ा हूँ, हक नूरानी तकरीर, हकानी तकरीर, जलजला दर जलजला है ना, फैसला हर हफ्त मसला हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि ताला के, वो हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि लिखे हुए, उसके बाद उसके हाशिया जिसमें देखिए, उसमें देखिए इल्मे गैब का मसला, फातिहा का मसला, मिलाद का मसला सब क्लियर करके दिखे, सात मसाइल, लेकिन इन लोग उनको भी नहीं मानता है। बहरहाल मैं अकीदे में बात करूंगा, अकीदे तौहीद में अल्लाह तबारक व ताला को झूठा तो नहीं मानते हैं, झूठ बोल सकता है कह के मानते हैं आप? कुरान कहता है कि कुरान अल्लाह सच्चा है। सीधा सीधा जवाब आपको दे दूंगा तो मैं भी आपको पलट से सॉल्व करूंगा। जी जी जी, मैं आपको एक बात मैं आपकी दरखास्त कर रहा हूँ, देखिए हालत फिलहाल जो हालत है देश के, हमको मिटाने के लिए चारों तरफ घिरा हुए है, फिर हमको कैसे मिटाया जाए? देखिए जनाब, ये सब देखकर सुनिए, जी जी, मैंने ये सब लेकर हम अगर आपस में लड़ेंगे तो वो लोग हमसे फायदा लूटेंगे, मौका लेंगे, या तो हमको फंसाने के लिए, या तो हमको बर्बाद करने के लिए, वो लोग जितने
मुमकिन उन लोगों का रास्ता वो ढूंढेंगे, ये हमारा समझ में आ रहा है। इसलिए हम सब मिलके इससे बाहर आ जाए, ये अब अभी अब बताइए। हम बता रहे हैं, देखें अल्लाह और बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन का शान घटाया इन लोग, इस्लाम के इस्लाम को बिल्कुल हल्का फुल्का कर दिया इन लोग, तो हम उनसे कट हैं, उनसे अलग हैं, जो इस्लाम की इज्जत ना पहचाने बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद ही में उन लोगों का अकीदा बातिल है, तो हम कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं। जैसे गैर मुस्लिमों को जो मौका मिला है तौहीन करने का, इन्हीं लोगों ने फराम किया है, समझे। जब अल्लाह रसूल की गुस्ताखी करें तो गुस्ताखी करने की हिम्मत कौन दिया, ये देवबंदी वहां भी दिया है, इससे कबल किसी की हिम्मत नहीं होती। आप इसे एक बार फिर दिया, मैं आपको अभी सवाल करने के लिए मैं जी सवाल कर सकते हैं, मैं तो बहुत अच्छा तो आप देवबंदी वहां भी छिड़ दिया, मैं तो कहता हूँ एक भी देवबंदी वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी क्या मतलब, देवबंदी से वहाँ भी के कोई ताल्लुक ही नहीं है। देवबंदी लोग जो है वहाँ भी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक नहीं है। आप कह रहे हैं ना, लेकिन किताबों में अशरफ अली थानवी लिखा है और मौलवी जकरिया साहब लिखे हैं कि सबसे बड़ा वहाबी मैं हूँ, तुमसे बड़ा वहाबी मैं हूँ। अगर 600 रुपया होता तो पूरे लोगों को मैं महाना तनख्वाह करके सबको वहाबी बना देता, अशरफ अली थानवी लिखा है। और यही इलियास घुम्मन है ना, पाकिस्तान का मुनाजिर, बहुत बड़े मुनाजिर कहलाता है, लेकिन वो अपने सौतीली बेटी के साथ पकड़ा गया था। रसीम साहब, शायद आपकी उम्र 40 होगी ना। जी जी जी, तो सुन लीजिए, ये इलियास घुमन लिखते हैं कि वहाबी वहाबी कौन होता है, तो 100 सुअर को मिलाओ तो एक वहाबी बनता है, कह करके उन्होंने लिखा है जीरे अलमास में, किताब में। नहीं, ये सब व्यक्ति को तो बात आप छोड़ दीजिए, मैं आपको अगर आप इसे दलील देंगे। जी जी, मैं आपसे दोस्तियाना बात कर रहा हूँ, अगर बुरा लगे तो मैं देखिए देखिए जनाब, मैं कहता हूँ आप भी रहें या कोई रहे, अल्लाह रसूल की गुस्ताखी ना करें, अल्लाह तबारक व ताला को बोलने वाला। वो सही, वो 100% मैं सही, अल्लाह और रसूल की गुस्ताखी ना हो ना हो, और जो अल्लाह रसूल की गुस्ताखी करे ना, हम उससे दोस्ती भी नहीं करें कर सकते हैं। नहीं, कौन गुस्ताखी, हम समझाएंगे उसको बगैर तहकीक के, हम मानेंगे भी नहीं। जी जी, इसीलिए शब्बीर अहमद उस्मानी, देखिए शब्बीर अहमद उस्मानी तजल्लियात ये शब्बीर में लिखते हैं कि ये जो तक़वियतुल ईमान है, हिफ्ज़ुल ईमान है, फतावा इमदादिया और कौन कौन नाम लिखा है, वो उसमें चार पांच किताब में तजल्लियात में लिखा है, इन सब किताबों को बीच चौराहे में रख करके जला दो, यही फितना है कह के, लेकिन देवबंदी उसको जलाया नहीं, ऐसे ही रखा है, मशवरा भी दिया दारुल उलूम देवबंद से। देखिए, हर सवाल में हर बात में आप अगर अशरफ अली के जो हवाला दे रहा है, जो अशरफ अली थानवी बोला है जो किताब में लेकर है वहाँ भी हूँ, तो अशरफ अली का, अशरफ अली थानवी साहब का बात आप, साहब की बात आप मान लेंगे, उनके लिए दलील है ना, मैं क्यों मानूंगा। नहीं तो आप नहीं मानते, उसके हवाला आप क्यों दे रहे हैं। नहीं, वो जो होता वो मुजद्दिद साहब है ना, देवबंदी लोग अपने मुजद्दिद के बात को नहीं ठुकराएगा। तो हाँ, तो कुरान हदीस भाई साहब सुनो, जी जी, एक जगह में आपको उसकी बात लेकर आप दलील बनाएंगे, दूसरी जगह में आप उनको काफिर कहेंगे, तो उसको बात लेकर दलील क्यों बनाते हैं। नहीं, वो तो खुद के उसूल से ना वो बन रहा है, मैं अपने आप मैं नहीं बना रहा हूँ उसको, वो खुद के उसूल से बना हुआ है वो वहाबी, तो मैं क्या करूँ। सुनिए, मेरा मन में जो आ रहा है, मैं मेरा मन में जो आया है, जो सब अपने सिक्का सेकने के लिए हम लोग दूसरे को मैंने हराने के लिए, हमारे दल को आगे चलाने के लिए हम दूसरे के खिलाफ बोल के चल रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह के रसूल के ऊपर हमारा यकीन नहीं है, हम दुनिया खाने के लिए ये सब मेरे दिल में आया। माज़ल्लाह, आपके ऊपर नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर नहीं, हम सबको मिला के ये हमारे दिल में आ गया। नहीं, आप देखिए, मैं कहता हूँ, आपसे कहता हूँ, अल्लाह की गुस्ताखी मत कीजिए,
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी मत कीजिए, औलिया कराम यानी जिससे अल्लाह मोहब्बत किया उससे भी मोहब्बत कीजिए। मस्जिद में जब जाइए तो मस्जिद का अदब क्या है वो पहचानिए पहले। अदब ही से बेअदब शैतान को जन्नत से निकाल दिया, उसकी इबादत काम नहीं दिया। शैतान जन्नत में रहता था ना, उसका नाम अजाजिल था। कुरान ने कुरान की तफसीर पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सबक भी है हम लोगों के लिए। जब हजरत आदम अली सलाम के इज्जत से मुंह फेर दिया शैतान ने, इबादत तो इतना किया था, हदीसों में आता है, कुरान की तफसीर में आता है, शैतान इतना इबादत किया था उसके सजदे को, सिर्फ सजदा को पूरी जमीन में फैला दी जाए तो जमीन में एक राई रखने की जगह ना मिले। ठीक, तो इतनी इबादत किया, लेकिन उसकी इबादत सुन लीजिए, तो उनकी इबादत काम नहीं दिया, उसको जहन्नम से अल्लाह के लानत से वो उसको बचा नहीं सका। वो पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत किया, रियाजत किया, तकवा किया, लेकिन उसको उसकी इबादत, तकवा, रियाजत, उसकी परहेजगारी काम नहीं दिया, सब लानत बरस दिया, सब उसके मुंह में मार दिया अल्लाह ताला, और पसंद ना किया और उसको दोजखी करार दिया, और अल्लाह की लानत, अल्लाह के अल्लाह के फरिश्तों की लानत उस पर बरस रही है, कयामत तक बरसती रहेगी। तो बताइए, जो जमीन में रह के अभी जन्नत भी नहीं गया है, और वो नबी की गुस्ताखी करता है जो नबियों का सरदार है। हमारा नबी जिसका हम लोग कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? नबियों के इमाम हैं, नबियों के सरदार हैं, शाफीउल मुजनबीन हैं, समझे? उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला लवायुल हम्द का वादा किया है, महशर में उन्हीं का ताज बुलंद होगा। वही नबी, हमारे नबी सबसे अल्लाह के बाद सबसे शान वाले हैं। वो नबी को कोई कहे कि उनका इल्म बच्चों के जैसा, पागलों के जैसा, जानवरों के जैसा, तकवीतुल ईमान में दीवार के पीछे क्या भी इल्म नहीं जानते, हालांकि हदीस में देखते हैं। बताइए, उसको गुस्ताखी करता है वो नबी के गुस्ताखी करके जन्नत में कैसे जाएगा? आप खुद अंदाजा कीजिए ना। जी, नसीम साहब, नसीम साहब आप तो बोल रहे हैं, मैं दो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। मैं इतना लंबा नहीं तो मेरा ख्याल, मेरा यही मशवरा है, आप अपना अपना जो तरीका है, मसलक है, उसको आप पब्लिक करते जाइए, अपना तरीका को आप मैंने चलाते जाइए, सबके यहाँ पहुँचाते जाइए। लेकिन ये आप देवबंदी की बुराई छोड़ दो, और देवबंदी भी आपकी बुराई छोड़ दो। नहीं, देवबंदी लोग हमारी बुराई करे, मैं जसीम अख्तर को मुझे गाली दे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप भी मुझे गाली दोगे, मैं आपको गाली नहीं दूंगा। नहीं, मेरा नहीं, ये है तरीका। मैं आज तक किसी को गाली नहीं दूंगा, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को गाली दे तो मैं ढाल बन के खड़ा हो जाऊंगा। आप कहिएगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बच्चों के जैसा है, पागलों के जैसा है, तो मैं ढाल बन के बीच में खड़ा हो जाऊंगा, मुझे मारो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर, उनके अदब पर, उनकी बेअदबी करने नहीं छोड़ूंगा, मैं खड़ा हूँगा वहाँ पर। इस नियत से मैंने नहीं कहा, मैंने कहा अपना अपना रास्ता सब बताते जाइए, लोगों के अंदर पहुंचाए, लेकिन दूसरा, दूसरों की बुराई, दूसरों के ऊपर तान तसी करना, दूसरों को बेईमान कहना, कुफूर कहना, काफिर कहना, ये सब हम दोनों तरफ से छोड़ दिया जाए तो अच्छा रहेगा, यही मेरा ख्याल है। यानी दोनों तरफ से कि जो काफिर हो, देवबंदी के तरफ से इनको बुरा ना कहा जाए, देवबंदी अपने बस पर चलाते जाओ, और ये हमारे बरेली शरीफ की तरफ से ये भी अपना जो ख्यालात है वो जाहिर करते जाए, लेकिन दूसरों के ऊपर इल्जाम और कुफरियात ये लफ्ज लगाना छोड़ दे, यही है मेरे ख्याल है। अगर माने ना माने खुदा जाने, अल्लाह अल्लाह ताला के। देखिए, हम लोग जो जो शरीयत मुतहरा के दरमियान फैसला हो जाए, शरीयत फैसला कर दे, तो उसको हम काफिर ही कहेंगे। काफिर को काफिर नहीं कहना, ये भी काफिर है। जैसे कि मुर्तजा हसन चांदपुरी खुद लिखता है, एक तो बात एक तरफा हो गया ना, तो आप लोग एक तरफा से काफिर कहेंगे, वही लोग आपको काफिर कहेंगे, तो कौन काफिर नहीं, उसका उसका हक्कानी फैसला कौन करेगा?
देखिए मैं बता दे रहा हूँ, देवबंदी जमात के मशहूर मौलवी है मुर्तजा हसन चांदपुरी, अपनी किताब अशदुल अजाब सफा नंबर 15 में लिखते हैं, जो काफिर को काफिर ना कहे वो खुद काफिर है। बताइए ये फतवा दे ना बहुत। वो देखा, मैं जी सुना हूँ, मैं बहुत सफर करके आया हूँ। मैं तो आप लोग के दुआ करिए, मेरा ख्याल जो मैं पकड़ कर दिया, एक दूसरे को इल्जाम ना देकर हम अपना अपना तबलीग किया नहीं जाए जनाब, तो मैं अच्छा रहेगा। किताबों के रूह से मैं बात करता हूँ, अपने तरफ से कोई बना करके पेश नहीं करता हूँ मैं जो। ये तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जो इल्जाम और कुफरियात कहना, ये सब अगर बंद कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो दुआ करिए, अगर ना करे तो मैं नहीं अल्लाह से कह सकता हूँ या अल्लाह के यहाँ दरखास्त कर सकता हूँ, किसी के ऊपर बुराई नहीं पाऊंगा नहीं, मैं। आप अगर कहेंगे आप अल्लाह और रसूल के कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हैं, तो उसकी बुराई करने वाला मोमिन मुसलमान रहेगा बताएं? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। एक मर्तबा जो मैं बुराई वही करेगा मिसाल दूसरे दिया, को मोमिन नहीं शैतान रहेगा। एक मर्तबा हजरत आदम अली सलाम एक ही मर्तबा ने सजदा नहीं किया था, ताज़ीम अदब नहीं किया था, लेकिन ये हो देवबंदी यहाँ तो पर रात दिन वो किताब को भी छाप रहे हैं जिसमें बेअदबी है। आप कहाँ का रहने वाले हैं? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, मैं रहता हूँ फिलहाल ओ यहाँ चेन्नई में, जुनूबी हिंद तमिलनाडु में रहता हूँ। अच्छा, तो दुआ करिए। मेरे एक दोस्त वो कुछ दिन पहले झारखंड गए थे, वो जी जी आसाम का कैंडिडेट हुआ है फिलहाल, वो एमपी का मेरा हाँ दोस्त है, तो इसीलिए वो झारखंड गए थे, कल से आया अच्छा, आया है, तो मेरे को तबलीग वबलीग मालूम में था। गया था क्या? और वो से वो लोग झारखंड में उन लोगों का वो उन लोगों का धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है बोला है, जब मंदिर में गया उनको था टिकट, यानी हाँ पंडित है, एमपी नहीं पंडित तो नहीं है, वो एमपी का टिकट मिला उसको, और एमपी का टिकट मिला तो मंदिर में जाने के लिए पार्लियामेंट कौन मशवरा दिया उसको, मंदिर में जाओ कह करके? मुसलमान में नहीं, वो मुसलमान नहीं है, नहीं वो है। अच्छा अच्छा गौरकौम, अच्छा गौरकौम अच्छा है, वो आपका झारखंड में, दोस्त। वो ये आदिवासी है, वो झारखंड वाले है, अच्छा यहाँ अच्छा का यहाँ झारखंड का 4.5 लाख वोटर है ना, तो हाँ वो अपने झारखंड के ताल्लुक जराने के लिए वो गए थे, तो अच्छा, आपका दोस्त कल है वो दोस्त मैंने, मैं थोड़ा ओहदा में रहता हूँ, थोड़ा सा ओहदे सियासत सियासत में मेरा दिलचस्प में है, हैं आप? जी आप जी 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 मैं सियासत कहाँ में पर हैं अभी? यहाँ कहाँ? मेरा घर भी आसाम आप में है, आसाम में? आप तो बंगाली जबान वाले लग रहे हैं हाँ इसलिए बंगाली जबान वाले, आपकी बात से मुझे पता चल रहा है कि हाँ बंगाली। बंगाली जबान वाले। अच्छा, बहरहाल मैं देखिए आपका नाम जहन से निकल गया, बहरहाल अहमद सुनिए अली, जो अहमद जी अली, अहमद अली साहब, अहमद अहमद अली साहब जो जी, अल्लाह और रसूल की गुस्ताखी करे हम दोस्ती हरगिज नहीं कर सकते, मर जाएंगे लेकिन दोस्ती नहीं करेंगे। जो देवबंदी अल्लाह रसूल की गुस्ताखी गुस्ताखी भाई साहब, किया है उससे तौबा करे और निकले तो मैं गले से लगा मेरा लूंगा इंशाल्लाह। मेरा 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 भाई सुनिए, हर जी बात तहकीक करने के बाद कहना ठीक रहेगा, हाँ ये तहकीक मेरा है हमारी फिलोसफी, इसमें, इसीलिए बुम बोल रहा नहीं हूँ। आपके आपके तहकीक, मेरा तहकीक काम नहीं चलेगा, जब दुर्मियन वाले कुछ जो बुजुर्ग है और इल्मियत में जो माहिर रखते हैं वो लोग अगर उसको फैसला करेगा तो हम कहेगा ना ये हमारे सही है, खुद क्योंकि आप मुजद्दिद लोग फैसला दे दिया है इमाम अहमद रजा खान फाजिली बरेलवी अली इसके रहमत रिजवान। जी जी ऊपर मेरा मेरा कुछ कहना है, आप लोग जी जितना इमाम अहमद आला हजरत बरेली साहब के जितने नाम लेते हैं, जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इन्हीं के नाम लेते हैं, माशाल्लाह, आप लोग उन्हीं ऐसे ने के सिखाया लाखों सलाम, उन्हीं ने ना ना सिखाया ना, अब दर्दो ऐसा सलाम, करिए भाई, उन्हीं ने सिखाया इश्के मैं दूसरी रसूल। तरह माने ये जीत में आकर ऐसा हो गया, आला हजरत के नाम ज्यादा हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं के नहीं नाम नहीं वो नीचे पड़ गलत गया है, गलत है। जीत में रात आकर, दिन हम लोग जिक्र अजकार करते हैं, हुजूर की मोहब्बत में बयान होते रहती हाँ है। मैं हुजूर के इतने नाम देरी क्या ज्यादा, बात किया? अभी एक मर्तबा आला हजरत का नाम लिया तो आप चिढ़ गए, मतलब चिढ़ता है नहीं, देवबंदी चीन क्यों? नहीं इसलिए गया, कि वो नेजा मारा है देवबंदी वहाबी पर, समझे? नहीं चीन नहीं गया, मैं चीन नहीं, मैं कहता हूँ आला हजरत के हवाला ना देकर, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से, अबू बकर सिद्दीक के हवाला से, हजरत उमर फारूक के हवाला से, जी जी उस्मान जी गनी के बिल्कुल हवाला से बात करिए, बिल्कुल, ठीक क्यों? रहेगा। हमारे वो सब असलाफ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम किसी को छोड़ते हैं नहीं,
और जो ठीक है, छेड़ता है उसको छोड़ते भी नहीं। जतिन साहब, मैं दूसरा टाइम में, अगर मेरा मेहमान आया है जी, दूसरा टाइम में फुर्सत मिलेगा तो बातचीत करेंगे जी, जरूर जरूर करूंगा, मैं तो वेलकम करता रहता हूँ। बुरा तो नहीं माना है? नहीं 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 नहीं, आप मैं इस्लाही गुफ्तगु करता हूँ ताकि इस्लाह हो, ईमान का पुख्तगी हो, अल्लाह रसूल की, अल्लाह रसूल की रजामंदी हासिल हो, सब बस ईमान इस दुनिया से जाने लगे तो ईमान के साथ जाएं, और बेईमान होकर ना मरे। वला तमुतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमीन आमीन। ये बात, ईमान लेकर मरे, ये मैं आपके बहुत ही दिल से आपके शुक्रिया अदा करता हूँ और आमीन कहता हूँ ये बात कहने के लिए। ठीक है, आमीन आमीन। ठीक है, बात कीजिए कभी मौका मिले तो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।